श्री मद देवी भागवत यानी देवी प्राण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, 123 पृष्ठ पे। तीसरा स्कंद, भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और त्रोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, इस संसार की सृष्टि सतीथी और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र सदग्रंथ ने, पवित्र पुराण ने, देवी पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट कति साफ कर दिए। नंबर 1, दुर्गा देवी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है। दुर्गा जी को प्रकृति भी कहते हैं। तीसरा, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। चौथा, ये ब्रह्मा रजगुण सतगुण तमगुण, विष्णु सतगुण और शिवजी तमगुण है। और चौथा ये कर दिया, पांचवा, कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जैसा आपके भाग्य में है वैसा ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। वीडियो को पूरा देखने के लिए फैक्टफुल डिबेट्स YouTube चैनल पर विजिट करें।